अरे बहुत गर्म है। कोई बात नहीं पापा, अरे मैं खा लूंगा। नहीं नहीं रुको, मैं खिलाऊंगी। अरे मुझे जल जाएगा इतना गर्म। नहीं नहीं मैं गर्म नहीं दूंगी, मैं कभी अविनाश को भी गर्म नहीं खिलाती हूँ इतना। मम्मी ससुर को कब्जे में लेने की कोशिश। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आलू का ना? हाँ। ये लो ये लो, आपको ये नहीं पता आलू का। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और आज सुबह सुबह की शुरुआत हुई है किचन की खिड़की से आती हुई रोशनी से, क्योंकि आज सुबह सुबह मेरी बेबी बनाने जा रही है हम सबके लिए आलू के परांठे, मेरे फेवरेट। ये देखो आलू, मिर्ची, धनिया सब पिस चुका है, गुल चुका है। गुड मॉर्निंग पीपल। अरे अरे मम्मी, मम्मी छुप रही है वहां से। मम्मी को पकड़ो, मम्मी को पकड़ो। अरे सुशी लकड़ी वाला, छुप के आलू का परांठा देख रही हूँ मैं। लकड़ी वाला लग रहा हूँ आपको? नहीं नहीं, मैं सुशी आ गया है। मैं शुरू कर देती हूँ फटाफट। हाँ हाँ ठीक है। तो ये किसका है, तुम बोल रही है मेरा नहीं है तो? अरे ये रखा हुआ, इसमें मिर्ची ज्यादा डल गई थी, मैंने कहा ये मिर्ची वाला नहीं देती, मिर्ची फिर ज्यादा तुम्हें तकलीफ देती है ना। ये किसका कच्चा सूख रहा है फिर पीछे? कच्चा नहीं, कुछ भी बोलता है अपने। अरे वो बेलन का है। आपका ही किचन है ना, किसी और के घर में घुसाई हो। बेलन के अंदर होगा ना, उसके अंदर होगा, दिख नहीं रहा है, बेलन नहीं दिख रहा है। बेलन जो है ना ये जीरा। कल दो चीजों में ऑप्शन था ना, साबूदाने खिचड़ी और आलू के पराठे, तो ये आलू के पराठे में वोटिंग ज्यादा डली है। वोटिंग ज्यादा नहीं डली, पूर्ण बहुमत। हाँ, बहुमत से जीता है आलू का पराठा। आओ दोस्तों इसमें आलू भरे। इस आलू में और उस आलू में क्या फर्क है? अरे ये कैसी मिर्ची आ गई इसके अंदर। ओ शिट, होता है जब जल्दबाजी में इंसान काम करता है तो ये सब होता है। थोड़ी ज्यादा आलू डाल दो तुम्हारे लिए, पहले पापा को दो, मम्मी को दो या तुम्हें दो? यार देखो, देना तो पापा मम्मी को चाहिए, लेकिन मुझे अभी भी कहीं जाना है तो मुझे दे दो। ये देखो दोस्तों, ऐसे फोल्ड मार दो आलू को, मतलब पराठे को, और इसको लपेट के एक तरफा कर दो, जिसका कोई मतलब नहीं है जो मैंने कहा है। आप अपने हिसाब से बनाए आलू को। ये आज ऐसा पराठा खिलाऊंगी ना, आज परफॉर्मेंस प्रेशर बहुत है, सास ससुर खाने वाले हैं। तो मैं हमेशा ही हारी हूँ परफॉर्मेंस प्रेशर पे। याद नहीं खीर के वक्त क्या हुआ था, मैंने क्या किया था लोगों को बताओ? पहली बार जब बहू खीर बनाती है घर में, मतलब मीठा, मैंने जो किया था ना इसके घर में, मैं क्या बताऊँ। मम्मी के डर से, और मम्मी ना ऐसे बैठ के देख रही थी, मैंने उसमें ना चावल थोड़े एक्स्ट्रा पड़ गए थे, वो चावल कूड़ेदान में डाल के वो भी मम्मी ने पकड़ लिए। मम्मी की आंखें जो है ना भैया। अरे तो वो भी अपनी सास से कई बार पकड़ाई है ना, तो उन्हें पता है बहू को कैसे पकड़ना है, क्योंकि सास भी बहू थी। अरे कॉपीराइट, अब वो हमारे बीच में रिश्ता नहीं है वैसा। अच्छा बिगड़ चुका है रिश्ता? नहीं नहीं मतलब और अच्छा हो गया। अब पुलिस चोर का रिश्ता हो गया ना, पहले सास बहू का था। जल्दी बनाओ भी, मेरे को जाना है यार। एक और मार दू, मैं ये नहीं चाहती कि साइड से कुछ भी कच्चा रह जाए। गुलगुला पराठा बनना चाहिए। गुलगुला नहीं, कुरकुरा, गुलगुला कह रही है। मक्खन गर्म हो गया है। कल खा गई तुम सारा मेथी के पराठे में लगा लगा के, बस इतना ही बचा है? और है, साइड साइड से ना पीस रही हूँ इसको मैं। क्यों? ताकि कच्चा ना रह जाए कोई भी पराठा। मैं पापा को टेस्ट कराती हूँ सबसे पहले। ठीक है, है? आज तुम्हारा टेस्टिंग नहीं, पापा की टेस्टिंग देखते हैं। ठीक है, फिर मैं भूखा ही जाता हूँ, आके फिर खाता हूँ पराठे। मैंने क्यों, अब सीधा लंच ही करूंगा मैं। ये क्या बात हुई, बाप के लिए तुम इतना नहीं रुक सकते थे? ये देसी घी में बना रही हूँ। हाँ, तेल नहीं है इसलिए या वैसे ही? नहीं नहीं तेल है, मम्मी के लिए, तुम्हारे लिए, सबके तेल में बनेंगे। पापा को देसी घी में, पापा को मैं नींबू लगा रही हूँ ना, थोड़ा मस्का लगा रही हो। पापा को अपनी टीम में लेना चाह रही हो? पापा तुम्हारी टीम में है, क्योंकि पापा खुद अपने खिलाड़ी से परेशान है। सब खिलाऊंगी, ससुर को याद रखेंगे, मतलब घी वाला। मैं सब कुछ उल्टा क्यों बोलती हूँ? इसका जवाब मुझे देने की जरूरत है? पता नहीं क्यों मुझ मुँह से अब शब्द निकलते हैं, जब निकलते हैं। सब पराठा खिलाऊंगी आज, ससुर को याद रखेंगे, आए एकदम गड़दुल्ला पराठा बनाऊंगी। अरे गड़दुल्ले का मतलब पता है तुम्हें? नहीं। जो गांजा पीते रहते हैं बैठ के पूरा दिन, कुछ भी। पराठा दोस्तों एकदम तैयार हो गया, मैं इसको थोड़ा सा और कुरकुरा करना चाह रही हूँ, एक सेकंड और दीजिए मुझे, उसके बाद आज पापा के मुँह से रिव्यू लेंगे कि पराठा कैसा बना। पापा पहला पराठा आपके लिए, और आज आप खाके पराठे का रिव्यू दोगे कि पराठा कैसा बना है। मैं पापा को खिलाती हूँ। अरे बहुत गर्म है। कोई बात नहीं पापा, अरे मैं खा लूंगा। नहीं नहीं रुको, मैं खिलाऊंगी। अरे मुझे जल जाएगा इतना गर्म। नहीं नहीं मैं गर्म नहीं दूंगी, मैं कभी अविनाश को भी गर्म नहीं खिलाती हूँ इतना। मम्मी इधर देखो, पूरा सर्कस चल रहा है इधर, पूरा षड्यंत्र चल रहा है। मम्मी ससुर को कब्जे में लेने की कोशिश। आपको कैसे पता अच्छा है? अच्छा मम्मी को कैसे पता अच्छा है? मेरा फेस देख के लगा हुआ। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आलू का ना? ये लो ये लो, आपको ये नहीं पता आलू का है? चलो जी सफल हो गए, चलो निकल जाओ बैकुंठ जाओ। मम्मी हमेशा ऐसा करता है ये, जैसे ही मैं कहूंगी ना मैं ला रही हूँ खाना, तो कहेगा मेरी मीटिंग है मैं जा रहा हूँ, ऐसे ही करता है ये। बताया था 12 बजे जाना है। मम्मी कितने बजे भी जाना हो, ये 2-4 मिनट इधर हो जाता है, लेकिन जैसे ही पता लगा ना कि मैं बना के ला रही हूँ तो ये ऐसे करता है। मम्मी आप इसको प्लीज बोलो, मैं सच बोल रही हूँ, बोलो।
अब दिल नहीं हो रहा है। कहाँ गया देखो, दिल नहीं हो रहा है बाथरूम में। मम्मी ऐसे ही सच्ची बोल रही, मम्मी हमेशा ऐसा करता है। खाने भाई में तो बड़ा दुख लगेगा, गुस्सा गुस्से में रहेगा बस मुझसे ना इस चीज पे खाने को लेकर। तो मम्मी मैं आपको बता रही हूँ, ये हमेशा ऐसे ही करता है मेरे साथ। और आज मैं भी नहीं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं सच्ची में बात नहीं कर रही तुमसे। अरे मैं लेट हो रहा हूँ मम्मी, मैं नाश्ता, ये एक छोटा सा। मैं जब इसके लिए कुछ बनाने लगती हूँ ना, इसका एंड में ऐसी मीटिंग आती है कि इसको उसी वक्त निकलना होता है। ये हमेशा मुझे तंग करने के लिए करता है, फ्रस्ट्रेशन हमारी खुद की है। तो आप जल्दी बना दिया करो ना नाश्ता। अभी कैसे ठंडे हो गए, अभी कैसे ठंडे हो गए? ठंडा तो नहीं हुआ, अभी भी आ नहीं रहा नाश्ता। आ रहा है मम्मी, देख लो ये ना, मम्मा मम्मी रोज करता है मेरे साथ। आया बड़ा, हमें टेंशन नहीं। मैं ला रही हूँ, मेरे हाथ का बना है ना, इसलिए अब नहीं खाना है ना। मुझ पे चिड़चिड़ पूरी निकालनी है काम की। चलो अच्छा हुआ आज आपने अपनी आंखों से देखा है मेरे साथ क्या करता है आदमी। मेरा काम तो हमेशा उसी टाइम पे रहता है, नाश्ता आ जाता है उस वक्त पे, मतलब जितने बजे मुझे निकलना उसी टाइम नाश्ता रेडी। कोई बात नहीं, खा लो, अब तो नरम हो गया। मम्मी मैं आज नाश्ता नहीं कर रही। नहीं बेटा नहीं, अब आपको मनाना पड़ेगा। मैं नहीं करूंगी, पापा ये पकड़ लो, मैं जा रही हूँ। नहीं अंदर नहीं कर रही, इतने लोग बाहर है। हमेशा देखो ये कैसे करता है मम्मी मेरे साथ, आप देखो। लेकिन बोलने पर मान भी तो गया, आप भी मान जाओ, तो मान ही गया है। नहीं कम से कम ये तो बताओ कैसा है। थोड़ा बहुत देना, अब इसको एक और चाहिए। तो बड़ा हाँ, देख लो क्यों, मैं बताती हूँ मम्मी, इसको लगी है भूख। हाँ। तो ये भूख में मेरे साथ पूरा वो गुस्सा निकाल रहा है, भूख भूख का गुस्सा मेरे ऊपर निकालता है। खिला दो भाई, भूख का गुस्सा निकाला है इसने मेरे पर, इस आदमी ने। क्यों अब क्यों खाना है एक और, टेस्टी बना है। देख रहे पापा आप कुछ बोल नहीं रहे हो इस बात पे। नहीं नहीं ये गलत बात है भाई, पहले से प्रिपेयर हो, आपको सब कुछ तैयार है, सब कुछ किया हुआ है, वो भी ठीक है, और आपको टाइम भी आपको पता है कब करना है, उसके पहले प्लान करना चाहिए। आप दोनों मेरे साथ हो ना इस बात पे, बिल्कुल एकदम साथ। पूरा झगड़ा करने के बाद अविनाश ने मैसेज किया है, जैसा कि मैंने बोला था मम्मी को, मैंने पहले ही बता दिया था कि अभी मैसेज आएगा और मुझे बोलेगा कि कॉफी के लिए मिल लेना मुझे। तो उसका मैसेज आ गया है, तो उसको ये नहीं पता कि मैं मम्मी पापा को भी साथ लेके जा रही हूँ। मैं क्यों जाऊँ अकेले मिलने इससे, मैं अनजान व्यक्ति से नहीं मिलती अकेले, तो मैं मम्मी पापा को दोनों को साथ में लेके जा रही हूँ। अभी उसको सरप्राइज मिलेगा, आपको वहीं पे मिलती हूँ। मेरी मम्मी पापा से मिले। नमस्ते अंकल जी। ये मम्मी यहाँ पे पापा, यहाँ पे स्टाफ है ये, और ये बिल्कुल फैमिली की तरह है मेरे। ये मेरे को बहुत बार मतलब कार्ड नहीं होता है तो कहते हैं बाद में पे कर देना। आज लेके आई हूँ, आज लेके आई हूँ कार्ड। उठा नहीं रहा है। जब से आए हैं मम्मी का सिर्फ ये है कि अविनाश कहाँ आ रहा है, बाहर बैठी इधर है, नजर आ रही है कि मेरा बेटा अभी तक पहुंचा नहीं, कॉफी ठंडी हो जाएगी। अरे भाई आएगा तो कॉफी ले लेगा अपने आप। ये भगवान, मम्मी आप कैसे रहती हो फिर, वही देखती जा रही है कि कोई आ रहा है नहीं आ रहा। दिल्ली में तो रहती हूँ, नहीं पता रहता है ये आने वाला है, उम्मीद नहीं होती इधर। उम्मीद है मुझे अकेले क्यों बुला रहे थे? अकेले नहीं बोला था मैंने, कहा वहाँ पे मिलते हैं। मैंने कहा बोला अकेले मिलते हैं, ये तो नहीं बोला कि मम्मी पापा को लेके आना। अरे ये सास बहू ने तो बाप बेटे को पीछे कर दिया एकदम, तो खुद आगे एडवांस एडवांस बहू होके आगे चल रही है। अरे बाप रे, मम्मी क्या लाई है स्टार बक्स? ये क्या लाई मम्मी? टूथपिक। अरे वो जो स्टर होता है ना कॉफी मिलाने के लिए, उसको तोड़ तोड़ के अपने दांत खोदने के लिए लाई है। अरे तो टूथपिक तो है घर में, उससे नहीं होता है ना। अरे पतला चाहिए मम्मी, ये कैसे बैठ के इतनी देर से बुन, जैसे इंसान वो बुनता है ना रजाई, वो क्या कहते हैं स्वेटर बुनता है, मम्मी ने ये इतनी देर में ये काम किया। पिन लगाती हूँ इससे अच्छा ये रहेगा। और जैसे ये काम पूरा हुआ ना, मम्मी ने कहा चलो बेटा घर चलते, कैंडी अकेली है। स्टारबक्स के सीईओ को बता दूं कि मेरी माँ ने तुम्हारे चीनी मिलाने वाले को दांत खोदने वाला बना दिया है। तोड़ के लाई, वो जब फेंकने वाला था वो मेरा था, मैंने कॉफी चलाया, मैं कह रही हूँ वो मेरा था। हाँ उसका तो पैसा दिया हुआ है, फेंका वो तो प्रॉपर्टी अपनी हो गई। जी मुझे कल किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए थोड़े बाल बाल बनवा के आने हैं, तो मैं जा रही हूँ सलून और फटक से वहाँ से बाल बनवा के, मतलब बाल क्या स्ट्रेटिंग करानी है, और करवा के आ जाऊंगी। अविनाश आपको मिलता रहेगा, ये लो। मैं अभी निकल रहा हूँ 5 मिनट में मेरी रिहर्सल के लिए, तो संभावना आपको मिलती रहेगी। मेरे को भी तो जाना है। कर रहा है व्लॉगिंग, ये तो पता लग जाए ना। आप वहाँ कीजिएगा, मैं आके आपकी देखूंगा व्लॉगिंग। चलो दोस्तों मैं आपको मिलती हूँ। मैं आ गया अपनी रिहर्सल से, संभावना भी आ गई अपने बाल बनवा
आके जो कि बिल्कुल भी बने हुए दिख नहीं रहे। बाल बांधे हुए ना मैंने। इसको लेके नीचे जा रही हो? हाँ। पापा भी तुम्हें नीचे मिलेंगे टहलते हुए। तीनों को कैसे संभालोगी? कौन है? पापा तो कहीं और घूमने गए थे। आज बेबी एक गाड़ी इतनी तेज आई है ना, मैंने लिटरली जंप मार के गाड़ी को रोका है उस औरत को। फिर मैं बहुत बहुत डर गई। तुम नीचे जा रही थी ना, पता नहीं मेरा दिल ऐसा क्यों कर रहा था कि तुम अकेले तीनों को लेके जा रही हो। नहीं, हैंडल करती हूँ मैं तीनों को, लेकिन आज फर्स्ट टाइम सोसाइटी में गाड़ी इतनी तेज आई है ना, एंड उसके बाद फिर पापा मुझे नीचे मिल गए। मैंने लिटरली जंप किया उस गाड़ी पे। और आगे कौन था इन तीनों में से? इन तीनों में से ये कोको, ये कैंडी। अरे रे, तो उसको तुमने बोला नहीं आप फास्ट चला रहे हो? मैंने बोला, मैंने कहा एकदम आप लोग आप एकदम कहती नहीं, मैंने ना एक्चुअली देख लिया था पीछे से, मैंने कहा उसके बाद भी इतना तेज वो आई ना गाड़ी। जी ये आज रात को बनी है एकदम मसाले दार गोभी आलू दाल। किसकी मम्मी? तुअर की, अरहर की, मूंग मसूर की दाल और रोटी। लेकिन संभावना नहीं खा रही है खाना। क्यों? मैं नहीं खाऊंगी, मैंने बहुत खाया, मैं डाइट पे वापस जा रही हूँ। मेरा गाल, एक गाल निकला बाहर, एक गाल बाहर आया। बेबी गाल बता रहा है कि अब रुक जा। और तुम मत रुकना, तुम हार मानने वालों में से थोड़ी हो। मैं सोच रही हूँ एक दिन और कल खा लेती हूँ, फिर परसों से है मम्मी कड़ी चावल, कल कड़ी चावल बना के कल कड़ी चावल खा लेते हैं दोपहर के, और फिर आ जाऊंगी मैं फिर, क्योंकि कड़ी चावल रह गया तो मेरे दिल का वो एक फेवरेट है। हाँ, राजमा चावल हो गया। राजमा चावल मैंने नहीं भी खाया, चले कड़ी चावल इज मस्ट। अरे चेरी इतना क्यों रो रही है? अरे हद कर दी इसने रो रो के। उसके बाद भी इतना रो रही है। गरबा क्यों करने लगी तुम रात में? मेरे को लगता है नींद आ रही है। जिसको नींद आती है वो गरबा करता है। ये देखो तुम कैसे बाल। हाँ बाल तो अच्छे बने। अरे मम्मी के भी बाल बनवा आती गई थी तो। अरे जानी रही थी पापा मेरे साथ, जाओ फेशियल करा लो, ये करा लो। मैं बिल्कुल कभी मैं, अरे मम्मी का फेशियल तो मैं करूंगी कभी कर। हाँ मम्मी का तो मैं फेशियल करूंगी। कल कर दो। नहीं पाती हूँ। क्या फचपच फचपच क्या? नाक में जाता है। कुछ है मेरे पास नौकीला नाक का वो खचीरा कुछ कुछ। अरे इनकी नाक ही टूट जाएगी उससे तो। हाँ मैं सब कर दूंगी। मेरे नाक के यहाँ है नहीं कुछ की वो करना पड़े। कुछ नहीं मैं आपका ऐसा ऐसे दबाऊंगी ना ऐसे करके और नाक करूंगी ना तो वो सब निकल आएगा। नहीं वो कुछ मास्क जैसे बना, मेरे पास सब कुछ है। वो करते हैं ना तो मुँह में जाता है, इधर जाता है, इधर जाने दो, नाक से निकाल देंगे। अजीब लगता है ऐसा नाक में ऐसा उंगली डाल के निकाल देने का। फेशियल भी कर देना, ब्लीच भी कर देना। ठीक है ठीक, मैं ब्लीच कर दूंगी, फेशियल कर दूंगी। आईब्रो, आईब्रो पिछली बार वहाँ बनाई थी, वहाँ बनाई थी ना, बनवा के आई हूँ अभी। क्यों बनवा के आई हो? जब बहू के पास आ रही थी तो ध्यान नहीं था। बहू बिना दर्द के बनाती है ना, भूल गई थी। कील बिल सब मैं निकाल दूँ, बनवा के पेचकस पेचकस। इनको बहुत शौक है, इनका ही फेशियल कर देते हैं सब मिलके। ये हमेशा मुझे ही बोलते हैं, चल क्यों नहीं फेशियल करा ले रही हो, क्यों नहीं फेशियल। इनको बहुत शौक है, इनका ही फेशियल कर देते हैं हम मिलके। चलो मम्मी मैं सोने चली, मैं जा रही हूँ, गुड नाइट। आप अपने बेटे को और थोड़ा सा लाड कर सकते हो। नहीं लाड वाड तो कुछ नहीं, बदकुचन नहीं कर, हम तो पिक्चर देख रहे हैं, केदारनाथ देख रहे हैं। दोस्तों हम आपको मिलते हैं अब तक कल के फ्रेश एनर्जेटिक ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सके धूम मचा दीजिए शेयर में, तो धूम मचा दीजिए। अब यही बात हमारी मम्मी बोलेगी भोजपुरी में, आप लोग हमारे बहन हो गया आप लोग हमारे बहू के लाइक करी, शेयर करी, सब्सक्राइब करी, कौन से चैनल बहुत सारा प्यार दें। अरे लेकिन कहाँ पे जाके दें ये तो बताओ। संभावना सेठ इंटरटेनमेंट। ये भोजपुरी ताड़ा ताड़ी ताड़ा, अरे ये बंगाली है ताड़ा ताड़ी।